आप सभी का स्वागत है। चलिए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट इंग्लिश, महाराष्ट्र बोर्ड, 1.5 हिज फर्स्ट फ्लाइट पार्ट वन। गाइस, आज हम पार्ट वन स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 हमने फिनिश किया है। उसका लिंक मैं आपको आई बटन पर दे दूंगा, वहां से भी आप उसको देख लीजिएगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को जरूर इसको जो है शेयर करिए, उनका भी बेनिफिट होने दीजिए। कर भला सो हो भला, दूसरे की मदद करिए, आपका भी अच्छा होगा। सो चलिए आज हम शुरू करते हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। सुनिए, देखते हैं क्या इस चैप्टर में उड़ान। आपको अच्छी तरह से मालूम है उड़ान का अर्थ क्या होता है। ओके, ग्रेट। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। लेज मतलब क्या होता है? चट्टान। जो अच्छा, सीगल क्या है? सीगल एक समुद्री पक्षी का नाम है। द यंग सीगल अलोन, वो अकेला था। कहां पर था? यस, वॉज अलोन ऑन हिज लेज, वो अपने चट्टान पर अकेला था। हिज टू ब्रदर्स, आप देखिए कहानी को अच्छी तरह समझिएगा। हाँ, जो सीगल पक्षी था वो अपनी चट्टान पे कैसा था? अकेला था। उसके, ऐसा नहीं वो अकेला है, उसके परिवार भी हैं। क्या है जरा उसके बारे में डिटेल सब चलने वाला है, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग अच्छी तरह से। ग्रेट। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लॉन, उसके दो भाई और एक बहन ऑलरेडी वो लोग उड़ान भर चुके हैं। अवे द डे बिफोर, एक दिन पहले ही वो लोग वहां से, जहां पर इस वक्त सीगल पक्षी है, वहां से वो लोग उड़ान भर के यानी उड़ के जा चुके हैं। He had been afraid to fly, उसको उड़ने में डर लगा है। With them, उनके साथ वो उड़ के नहीं जा सका। क्यों नहीं जा सका? क्योंकि उसको उड़ने में डर लग रहा था। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, किसी तरह से उसने, अब देखिए इस पॉइंट को समझिएगा, किसी तरह से उसने उड़ान भरने की कोशिश की थी। कहां पर की थी? यस, एक वर्ड है इसमें ब्रिंक, यानी चट्टान का जो कोना होता है, ऑफ द लेज एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, अपना पंख वो फड़फड़ा के उड़ने की कोशिश किया था उसने। बट ही बिकेम अफ्रेड, लेकिन उसको डर लग गया, भय लग गया, जिसकी वजह से वो उड़ान नहीं भर पाया और वो अपने भाइयों और बहनों के साथ उड़ के जा नहीं पाया। देखिए सीन कुछ ऐसा है कि जो वहाँ से एक चट्टान है, देखिए समुद्र के पास बहुत सारे इस तरह से चट्टान होते हैं, तो इनको क्या करना था कि चट्टान पर से उड़ के जाना था। देखो उड़ान के लिए पहले मैं आपको एक सीन समझा दूँ। देखिए अगर आपने मेरे वीडियो देखे हुए हैं जो मैंने इससे पहले अपलोड किया हुआ है, उसमें कई बार देखिए मैंने समुद्र के सीन दिए हुए हैं उसमें, और समुद्र के सीन में देखिए मैंने दिखाया हुआ है समुद्र के पास बहुत सारे चट्टान भी है, और चट्टान मतलब ऊंचाई पे होते हैं, नो डाउट समुद्र के किनारे की जो चट्टाने होती हैं वो समुद्र से ऊंचाई पर होती हैं। तो उसकी ऊंचाई पर से उड़ के जाना था, यानी चट्टान है उसके नीचे समुद्र है, और समुद्र एकदम अथाह समुद्र, बहुत दूर दूर तक फैला समुद्र, तो ऊपर चट्टान के ऊपर से क्या करना था? उड़ के जाना था। तो सीन कुछ ऐसा ही था, चट्टान के कोने तक पहले वहां से उड़ के आना है, और चट्टान के कोने तक मतलब कोने से थोड़ा सा मतलब चल के आना है, उस कोने से उड़ के उसको जाना है। सो ये तरीके होते हैं। देखिए जैसे मैं आपको बता दूँ, जैसे हाई जंप, जब आप हाई जंप करते हैं या ऊंची कूद करते हैं, तो उस वक्त क्या करते हैं? आप दूर से भाग के आते हैं और फिर कूदते हैं, फिर आप काफ़ी दूर तक जाते हैं। बिल्कुल यहाँ पर भी एक सिस्टम था कि पहली बार उड़ान भरनी थी ना उसको, तो कुछ इसी तरह से था, उसको भी उड़ान भर के जाना था, लेकिन वो डर गया जिसकी वजह से उड़ान भर नहीं पाया। सो लाइन देखिएगा, फिर से पढ़ रहा हूँ आपके लिए। ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स,
उसने अपने पंख फड़फड़ाने की कोशिश की थी, बट ही बिकेम अफ्रेड, लेकिन उसको कैसा घबराहट हो गई, डर लग गई, जिसकी वजह से वो उड़ान नहीं भर पाया और अपने भाई और बहनों के साथ उड़ के नहीं जा पाया। द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ, क्योंकि उसके नीचे समुद्र का विस्तृत स्वरूप उसकी आंखें के सामने, उसकी आंखों के सामने दिख रहा था। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, और उसका कुछ मतलब माइल्स माइल्स वो आगे दिख रहा है और उसका कुछ था पता अंत नजर नहीं आ रहा है। वो देख के वो डर गया कि मैं कैसे उड़ पाऊंगा। आगे क्या है, ही फेल्ट Certain that his wings would never support him. उसे ऐसा लगा कि उसके पंख जो है, उस सिगल पक्षी को ऐसा लगा कि उसके पंख उसका सपोर्ट नहीं करेंगे उतनी दूर तक उड़ान भरने के लिए। So he bent his head, इसलिए उसने अपना सर झुका लिया, and run away back to the little hole under the ledge. और चट्टान के अंदर जो होल बनाया था रहने के लिए, उसके अंदर जाके वो चला गया। Where he slept at night, जहाँ पर पूरी रात वो सोया। Even when each of his brothers and his sisters, his little sisters, little sister whose wings were far shorter than his own, जबकि उसके भाई और बहनों के जो पंख थे उससे क्या थे, छोटे थे, यानी वो कम थे, run to the brink, लेकिन वो क्या हो गए, चट्टान के कोने से उड़ के चले गए, flapped their wings, पंख फड़फड़ाए, उसके भाई बहन पंख फड़फड़ाए और वो वहां से and flew away, और वो वहां से चले गए। He failed to muster up courage, और तकलीफ ये हुई कि सीगल पक्षी जो था वो हिम्मत जुटा, muster up courage, यानी वो हिम्मत जुटा नहीं पाया कि वो वहां पर उड़ान भर सके। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, थोड़ा सा समराइज कर दूं। सीगल पक्षी, क्योंकि थोड़े से वर्ड्स हो सकता है आपको टफ लगे, इसके लिए मैं थोड़ा समराइज करना चाहता हूँ, हो सक किसी को तकलीफ हो सकती है इसके लिए। गाइस, सीगल पक्षी अकेला था अपने चट्टान में, क्यों, क्योंकि एक दिन पहले ही उसके जो भाई बहन थे वो उड़ान भरकर जा चुके थे। उड़ान कैसे भरना था, बस चट्टान के ऊपर से, चट्टान के कोने से उड़ के जाना था पंख फड़फड़ाते हुए। तो बाकी उसके छोटे भाई बहन उड़ के चले गए, लेकिन ये सीगल पक्षी ये उड़ान नहीं भर पाया, क्यों, क्योंकि जब उसने देखा मतलब उस चट्टान के नीचे का जो समुद्र फैला हुआ देखा, उसको लगा बहुत समुद्र तो बहुत दूरी तक है, उसका कुछ और छोर दिखाई नहीं दे रहा है। आप कभी समुद्र के किनारे खड़े होइए तो आपको समुद्र का अंत पता नहीं चलता है, तो वहाँ पर भी उसको लगा कि यार ये तो बहुत दूर है, तो ये मुझे मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं यहाँ तो उड़ नहीं पाऊँगा, मेरे पंख मेरा साथ देने वाले नहीं हैं और मैं नहीं जा सकता, जबकि उसके छोटे भाई बहन उड़ के चले गए। वो देखा उसने, लेकिन फिर भी ये हिम्मत जुटा नहीं पाया और नहीं जा सका। यहाँ से एक ही चीज़ स्पष्ट होती है, अगर आप डर गए तो समझ लीजिए कुछ नहीं होगा। कहते नहीं क्या, जो डर गया सो मर गया, वही वाली हालत है कि कहते हैं डर चीज बुरी है यारो, डर से डर के मत रहना, डर तेज छुरी है यारो, बिल्कुल भी डर से नहीं डरना चाहिए, डर के पार ही तो जीत है। अगर आप घबरा गए, डर गए, तो आपके पास अथाह शक्ति, सब कुछ रहने दीजिए, बहुत सारा ज्ञान होने दीजिए, कुछ भी होने दीजिए, अगर आपके पास हिम्मत नहीं है तो आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। एकदम साक्षात उसका प्रमाण है यहाँ पे कि उससे कम छोटे पंख वाले जो भाई बहन थे वो उड़ के चले गए, लेकिन ये डर के कारण, अफ्रेड के कारण, ये हिम्मत जुटा न पाने के कारण ये सिगल पक्षी उड़ नहीं पाया। आगे बढ़ते हैं। Courage to take that plunge which appeared to him so desperate. मतलब जिसकी वजह से उसको बहुत निराशा हुई कि वो उसको उड़ान नहीं भर पाया। His father and mother had come around calling to him. जबकि उसके माता पिता वहां पर वापस आए और उसको बोल रहे हैं कि चल तू उड़ और चल हमारे साथ। श्रीली यानी कर्कश आवाज में बोल रहे हैं। अपब्रेडिंग हिम उसको मतलब उसके अंदर बहुत सारे मतलब उसको भला बुरा कह रहे हैं, दोष ढूंढ रहे हैं, बहुत कुछ कह रहे हैं, फिर भी वो हिलने को तैयार नहीं है। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व और उसको धमकी भी दे रहे हैं कि अगर तुमने जो है कि थ्रेटनिंग यानी धमकाना कि अगर तुमने जो है उड़ान नहीं भरी तो रात भर उपवास करना पड़ेगा, याद रखो हम में से कोई भी तुम्हारी मदद करने वाला नहीं है। स्टार्व यानी उपवास करना पड़ा, भूखों मरना पड़ेगा। ऑन हिज लेज
अपने चट्टान में तुम रह के भूखो मरो, हमको कुछ नहीं करना है, नहीं तो चलो हमारे साथ उड़ो। अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक तुम्हारे साथ उड़ान नहीं भरोगे तब तक तुम ही अकेले उपवास करते रहो, हमसे कोई मतलब नहीं, अगर तुम आओगे तो चलना है तो चलो हमारे साथ। माँ पिता उसके समझा रहे हैं कि उड़ो, सिगल पक्षी को बार बार कह रहे हैं आओ हमारे साथ चलो। देखिए अक्सर माँ पिता हर एक के माता पिता जो है कि चाहते ही हैं अपने बच्चे को भले चीखेंगे चिल्लाएंगे जोर का बोलेंगे कर्कश आवाज में बोलेंगे, लेकिन हमारी भलाई के लिए होता है। हमसे कहते हैं कि इसलिए कहते हैं कि क्योंकि हम आगे बढ़ें, हम ऐसा डर के एक जगह बैठ ना पाएं। यहाँ भी सिगल पक्षी को उसके माता पिता लेने के लिए आए हुए हैं, बोल रहे हैं कि चलो हमारे साथ तुम भी उड़ान भरो, देखो तुम्हारे भाई बहन उड़ान भर रहे हैं, तुम भी चलो हमारे साथ, तुम यहाँ पर जैसे पत्थरों के बीच में अकेले रह के क्या करोगे, चलो हमारे साथ। अगर नहीं चलोगे, चिल्ला भी रहे हैं और धमका भी रहे नहीं चलोगे तो उपवास करना पड़ेगा, तुमको खाना मिलने वाला नहीं है, चलो हमारे साथ। लेकिन बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, चूंकि वो डर गया था, ही कुड नॉट मूव, वो डर जाने की वजह से वो उनके साथ जा नहीं पाया। अंततः माता पिता ने उसको वहीं छोड़ दिया और लोग सब लोग चले गए। आगे देखिएगा, That was 24 hours ago. ये घटना बीते 24 घंटे हो चुके थे। Since then nobody had come near him. तब से सीगल पक्षी के पास कोई भी आया नहीं था। The day before, एक दिन पहले क्या हुआ था? All day long, पूरे दिन भर, he had watched his parents flying about with his brothers and sister. एक दिन पहले उसने व्यवस्थित देखा था कि किस तरह से जो है कि माता पिता दोनों बच्चों के साथ उड़ान भर रहे हैं, ये देख रहा था, ये भी चाहता था कि वे उड़े, लेकिन डर के मारे ये उड़ान नहीं भर पा रहा था। यस, ही वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट। उसके माता पिता सिखा रहे थे, मतलब कि दो जो छोटे जो है कि और पक्षी थे उनको सिखा रहे, इसके भाई बहन थे उनको वो सिखा रहे थे कि किस तरह से उड़ान भरनी चाहिए। देखिए अक्सर हर एक माँ पिता जो है माता पिता जो है कि अपने बच्चों को सिखाते ही हैं कि किस तरह से जीवन हमें जीना चाहिए, अपने कर्मों के द्वारा सिखाते हैं, अपनी बातों के द्वारा सिखाते हैं, कोई न कोई तरीका। तो कई बार लोग मुँह से कुछ नहीं बोलते हैं लेकिन कर्म ऐसे जरूर करते हैं कि उसको उनको देख के ऐसा लगता है कि हाँ हमें इसी तरह से जीना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी माता पिता जो है सिखा रहे हैं कि किस तरह से उड़ान भरनी चाहिए, क्योंकि पक्षी वर्ग में ऐसा होता है जब तक बच्चे छोटे होते हैं तब तक माता पिता उनको सिखाते हैं कि उड़ान कैसे भरना चाहिए या किस तरह से जाकर अपना भोजन हमें जो है कि लेना चाहिए, कैसे औरों से बच के हमें भोजन लेना चाहिए। एक कहानी छोटी सी याद आई कि एक बार एक कौवा Yes. वो अपने बच्चे को सिखा रहा था कि किस प्रकार से मतलब जो है हमें मतलब खाना चुगना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, और वो कौवा बहुत अच्छी तरह से कह रहा था। बेटा अपने बच्चों को बोल रहा था कौवा कि बेटा एक बात याद रखना, इंसान से होशियार रहना, क्योंकि ये इंसान का कोई भरोसा नहीं है, ये कब कहां सीधे रास्ते जा रहे हैं और कब तुम पे प्रहार कर दे इनका कोई भरोसा नहीं, इसलिए इंसानों से तो बच के रहना। तो बोले अच्छा, तो छोटे बच्चे जो थे बोल रहे थे सीख रहे थे, हाँ पिताजी और बताइए। बोले बेटा याद रखना, जैसे ही इंसान नीचे झुके तो समझ जाना कि वो नीचे पत्थर उठाने जा रहे हैं और वही पत्थर उठा के तुमको मारेंगे पीट के, इसलिए जैसे ही वो झुके तुम उड़ जाना, नीचे झुक के पत्थर उठाने का मौका मत देना, झुके नहीं कि सीधा तुम उड़ जाना। तो जो बच्चे थे वो बोले जो है कि पिताजी ये बात तो सही कहा आपने, अगर वो झुकेंगे पत्थर उठाएंगे तो मार देंगे हमको, लेकिन पिताजी अगर सोचिए, अगर वो बच्चे पहले से ही अगर वो इंसान पहले से ही अपनी जेब में पत्थर रख के लाए रहेंगे तो तब क्या करेंगे हम? एकदम मतलब उसके पिताजी शौक रह गए। बोले अच्छा, बोले बेटा जाओ तुम सब लोग उत्तीर्ण हो चुके हो, तुम मुझसे भी ज़्यादा होशियार हो, कोई बात नहीं जाओ, अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये तो जस्ट थोड़ा सा एक मतलब मैंने ट्रैक हट के जो आपको बताया कि इस तरह से कई कई बार बच्चे कुछ ज़्यादा ही होशियार होते हैं, अपने आप से कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ही होशियार होते हैं।
माँ पिताजी बोलते हैं बेटा पढ़ाई करो वरना तुम्हारे जीवन में बहुत तकलीफ देखोगे, देखो आज जो तकलीफें हमने झेली है तुमको नहीं झेलना पचे, मतलब पढ़े स्लिप ऑफ टंग्स कई बार हो रहे हैं ना, हाँ यस आई डोंट नो यस तुमको झेलना न पड़े। सो गाइस आप समझिएगा यहाँ पर क्लियर कह रहे हैं कि पिताजी और माँ अपने बच्चों को समझाते हैं, बताते हैं कि जिन परिस्थितियों से आप जूझ रहे हो मतलब यह है कि मतलब जो वो खुद झेल रहे हैं वो अपने बच्चों को नहीं झेलना चाहते, इसलिए उनको ट्रेंड करते हैं। लेकिन बच्चे कई बार होशियार रहते हैं, पिताजी आप रहने दीजिए मुझे मालूम है मुझे क्या करना है, मुझे पता है जीवन में क्या क्या होता है, मैं भी जानता हूँ, ठीक है मैं मेरा देख लूँगा आप अपना देख लीजिए। तो ये गलत बात है, एक्चुअल में इस तरह से बातें इस तरह से ठीक नहीं है। मुझे पढ़ाई करना है आपको थोड़ी करना है, मैं रिजल्ट ला के दे दूंगा ना, अरे मैं रिजल्ट ला के दे दूंगा मतलब तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो रिजल्ट कहाँ से ला के दे दोगे, लेकिन फिर भी बोलते हैं हाँ मैं रिजल्ट ला के दे दूंगा ना आपको। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्सों से बातें होती हैं सुनने को मिलता है इस तरह से कि बच्चे ऐसा अक्सर कह देते हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये गलत है एक्चुअल में, दिस इज रॉन्ग थिंग, ये पूरी तरह से गलत है। देखिए उनके पास एक्सपीरियंस है अनुभव है, यहाँ पर देखो एकदम बहुत सही मतलब सीगल पक्षी के जो माता पिता ना बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि उन्होंने छोड़ दिया कि जाओ तुम उड़ान नहीं भरोगे हमारे साथ नहीं उड़ोगे तो ऐसे भूखे मरोगे, नहीं तो अगर हम तरस खा लेंगे अरे यार मेरा बच्चा उसको भूख लगी होगी तकलीफ में होगा तो क्या हम उसको दे देंगे और अपाहिज बन के कभी भी अपने पैरों पे वो खड़ा नहीं होगा, हमेशा वो डिपेंड करेगा, वो एक रास्ता ढूंढ लेगा कि इस तरह से वो बैठा रहेगा नहीं जाएगा तो भी उसको भोजन मिल जाएगा। तो इसलिए ट्रेंड करना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर जो है कि आत्मनिर्भर बना रहे हैं अपने बच्चों को ये सिगल पक्षी के माता पिता, ट्रेनिंग दे रहे हैं, टीचिंग देम हाउ टू स्किम, किस किस तरह से जो है कि स्किम करना मतलब स्किम ऑन द वे, हाँ स्किम द वेव्स मतलब जो पानी की जो लहरें होती हैं ना उसके ऊपर जाके उसको टच करते हुए कैसे वहाँ से उड़ जाना, तभी तो मछली पकड़ के वहाँ से उड़ते हैं, आपने देखा होगा कभी, देखिए इस तरह से पक्षी आते हैं और जाते हैं पानी के अंदर, जस्ट उसको टच करते हैं बराबर, इतनी तेज निगाहें होती है ना वो बराबर भाग जाते हैं वहाँ मछली है और जाएंगे उसको बराबर उसको पकड़ेंगे और पकड़ के लेके उड़ जाएंगे। ये मतलब ट्रेनिंग होती है, वो भी प्रकार की ट्रेनिंग है। इतनी आपको क्या लगता है कोई भी पंछी जाके उसको पकड़ के लेके उड़ सकता है, नहीं कतई ऐसा नहीं हो सकता है, हो सकता है अगर मछली खतरनाक होगी तो तुमको ही वहाँ दबोच लेगी, मालूम है ये कन्फर्म है। इसके लिए ना ये सब ट्रेनिंग की चीज़ें हैं, आता कुछ नहीं है और बस पहुँच गए मैं तो हीरो हूँ, मछली मैं भी पकड़ूंगा मैं भी जाके उड़ के दिखाऊंगा, जाओ उड़ के दिखा दो, जाओ पकड़ के लाओ मछली, उड़ोगे जाओगे समुद्र में गिर जाओगे वापस आओगे नहीं। तो वो ट्रेनिंग होती है समुद्र में तैरना, वो समुद्र के लहरों पर चलना, लहरें उठ रही हैं, अगर मान लीजिए आप देख रहे हैं अचानक में लहरें वहाँ से आती हैं जोर की लहरें आई हैं और आपको उसी में दबोच ले गई, तो ये बहुत सारी ट्रेनिंग होती है हर एक चीज़ के लिए। बिना ट्रेनिंग के बिना एक्सपर्टाइज के हम अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाते हैं। सो यहाँ पर भी वो मतलब सिखा रहे हैं अपने बच्चों को सिगल पक्षी के माता पिता कि जो उसके भाई मतलब सिगल पक्षी के जो भाई बहन थे उनको माता पिता सिखा रहे थे कि कैसे जो है मछली वगैरह को पकड़ना चाहिए, किस तरह से जाके उस वेव्स यानी उस लहर को छूकर किस तरह से आना चाहिए, कैसे वहाँ पर उस सारी ट्रेनिंग उनको दे रहे हैं। आगे है कहते हैं स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, किस तरह से गोता लगाना है किसको पकड़ने के लिए, यस मछली को। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर, उसने अपने भाई को देखा मतलब सिगल पक्षी ने अपने भाई को देखा, उसने क्या वो चट्टान पे बैठे बैठे सिर्फ देख ही रहा था ना कि कैसे वो लोग जो है आराम से जो है कि वो चट्टान पे बैठा बैठा देख रहा है वो जो है समुद्र के ऊपर इस तरह से कैसे लोग छलांगे लगा रहे हैं, किस तरह से पानी में जाके वहाँ से जो है कि मतलब तैरा मतलब सीख रहे हैं फ्लाई करना और पानी को टच करते हुए फिर कैसे उड़ जाना, मतलब हवा में से आना पानी को टच करना फिर उड़ जाना, इस तरह से एकदम पूरा फ्लाइंग सिस्टम वहाँ पर चालू है, ये सब कुछ देख रहा है बैठे बैठे, लेकिन डर के मारे ये उड़ान नहीं भर पा रहा है, इसको हिम्मत ही नहीं हो रही कि ये भी वहाँ पर जा सके। तो इसने देखिए इतना तो है, इतने इसने देखा ही सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग, हेरिंग मतलब ये मछली का एक प्रकार होता है, जंग मतलब जो समुद्री मछली होता है ना उसका एक प्रकार है जिसका नाम है हेरिंग, एंड डिवोर इट मतलब उसको पकड़ते हेरी मछली को पकड़ते हुए और उसको खाते हुए इसने देखा था, सिगल पक्षी ने देखा कि उसके भाई किस तरह से जो है कि उसको पकड़ के खा रहे हैं, उन्होंने खुद से मतलब जो है कि फ्लाइंग करके उसको पकड़ा है और पकड़ के आराम से खा रहे हैं, ये देखा उसने। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक व्हाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड
कैकल जब उसके भाई बहनों को मतलब पिताजी ने और माँ ने पूरा सिखा दिया कि किस तरह से जाना है, गोता लगाना है, मछली पकड़ना है। जब वो उसके भाई मछली को पकड़ लिए और खा रहे थे, तो मतलब माता पिता वहाँ पर चारों तरफ ऐसे सुरक्षा के लिए वहाँ पर उड़ रहे हैं अगल बगल में, और वहाँ पर जो है कि वो उनको मतलब प्रोत्साहित कर रहे हैं आवाज़ निकाल के जो है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनकी भाषा में वो बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा, जैसे हम लोग कहते हैं, हम लोग बोलते नहीं क्या गुड वेरी गुड, हम क्लैप करते हैं या थम्स अप करते हैं, बताते हैं आपने बहुत अच्छा किया, वेरी गुड एक्सेलेंट, इस तरह से आप करते रहिए। वैसे वहाँ पर भी जो है ना कि उसके माता पिता उसके चारों तरफ उड़ रहे थे, उन पंछियों के चारों तरफ उड़ रहे हैं और उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, गुड। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू, और मतलब सुबह में, पूरी सुबह जो है कि वो लोग वहाँ पर एक पठार था समुद्र के पास, मतलब रहता नहीं क्या समुद्र में, आप देखे होंगे पठार रहता है, तो वहाँ पर ये पठार था, उस पठार पे पूरी फैमिली उसको सिगल पक्षी को छोड़ के, बाकी दो भाई बहन माता पिता सब लोग वहाँ पर आराम से थे वहाँ पर। मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, क्लिफ मतलब क्या होता है, देखो ये उठा हुआ भाग रहता नहीं क्या, मैंने आप पहले बताया ना कि आप, मैंने दिखाया हुआ है, आप देख लीजिएगा वीडियो वगैरह स्टार्टिंग में जो मैं देता हूँ, एक कोई ना कोई आपको जो है कि वहाँ पर एक सुविचार एक तरह से मैं आपको दे रहा हूँ हर एक वीडियो के पहले। तो वहाँ पर देखिए कई बार समुद्र की चीज़ों को मैंने दिखाया, समुद्र के किनारे पे एक उठा हुआ जो चट्टानों का भाग रहता है ना, उसको क्लिफ बोलते हैं। तो ये एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यूज मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग, मतलब क्या हो गया कि पठार के ही पास में जो है क्लिफ था, और वहाँ से ये लोग पूरा दिन भर उड़ान भर रहे, आ रहे जा रहे और पकड़ रहे हैं, मतलब सब अच्छा बढ़िया चल रहा है, और वहाँ से इसको टॉन्ट मार रहे हैं। टॉन्ट क्या मार रहे हैं, टॉन्टिंग हिम फॉर हिज कोवार्डिस, यानी इसकी कायरता के लिए इसको वहाँ से वो लोग टॉन्ट भी मार रहे हैं कि तू कायर है, तू ऐसे बैठे रहे, भूखो रहे, जो हमें कुछ नहीं करना है, हम तो अपना जो है कि भैया अच्छे से रहेंगे। तो आप समझ रहे हैं ना कि मतलब कि ये चुपचाप मार के वहाँ पर चट्टान के ऊपर बैठा हुआ है, और वो लोग आराम से फर्स्ट क्लास जो है कि आराम से भोजन कर रहे हैं और उड़ रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं, और ये बिल्कुल भी कुछ कर नहीं पा रहा है। सोचिएगा जरा आप अपनी अंतरात्मा से, ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या कर सकता है, कुछ ना कुछ तो जो है कि इसको भी तो लगता होगा ना, भाई इसने भी कुछ ना कुछ तो किया ही होगा ना, कि बस ऐसे चुपचाप मार के बैठे रहा होगा। देखिए मैंने पहले से आपसे कहा, डर के आगे जीत है, जब तक आप उठोगे नहीं, जब तक आप आगे बढ़ोगे नहीं, तब तक आपसे कुछ होने वाला नहीं है। सीखना पड़ता है, कोई भी कार्य पहली बार करने के लिए सीखना पड़ता है। आपने, आपको साइकिल चलानी आती है, अगर आपको आती होगी तो आपको मालूम पड़ेगा कि 99% जब भी लोग साइकिल सीखते हैं तो गिरते जरूर हैं, बिना गिरे साइकिल नहीं सीख पाते, मतलब वो आता ही नहीं ना, वो कैसे उसे बैठना है, बैलेंस कैसे करना है। देख, आपने सर्कस देखा होगा या टीवी में देखा होगा, एक पतली रस्सी के ऊपर छोटे छोटे बच्चे कैसे चल के चले जाते हैं, कभी आपने देखा, वो भी हाथों में इस तरह से जो है कि डंडा लिए हुए एक पतली रस्सी पे, हम और तुम देख के आश्चर्यचकित रह जाते हैं, जबकि उन बच्चों के लिए ना वो एक नॉर्मल चीज़ है, चुटकी बजाने का खेल है। और आपने देखा होगा नीचे जाली वगैरह कुछ नहीं रहती है, इस रस्सी को झूला झूलते नहीं क्या, इस रस्सी को छोड़ते हैं और गुलाटी मारते हुए यानी छलांग लगाते हुए दूसरे रस्सी को पकड़ते हैं, एक दूसरे को पकड़ते हैं, सर्कस खेल में देखिए वो सब प्रैक्टिस है, उनकी जान का भी जोखिम रहता है, क्योंकि जब वो परफॉर्म करते हैं तो नीचे जो है कि नेट अर्थात जाल वगैरह रहता नहीं है, उसके बावजूद भी वो करते हैं, कैसे कर ले जाते हैं। आप ऐसे जाएंगे क्या, हे तुम रुक जाओ, हम आए हैं ना, हम आए हैं भाई, हाँ हम आए, हम जाएंगे, आओ तुम नीचे आओ, हम अभी उड़ान भरते हैं, देखो हम जाएंगे और पकड़ेंगे और झूला झूलेंगे, और एक बार झूले तो दोबारा झूलने के काबिल रहेंगे ही नहीं, अरे गिरेंगे, टांग टूट जाएगी, सीधी सी बात है, जब प्रैक्टिस नहीं है तो आप कैसे झूल लेंगे। आप बोलेंगे ए बच्चा तुम कहाँ, तुम डंडा लेके जा रहे हो रस्सी के ऊपर, हटो तुम, हम आ रहे हैं, तुम तो जो है छोटे पे जा रहे हो, हम बड़े पे जाएंगे, दो मतलब बिल्डिंग के बीच में रस्सी बांधो, अभी हम जाते हैं 10वें फ्लोर तक रस्सी बांध लो, हम डंडा ले लिए हैं, आगे जा रहे हैं, और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएं, धड़ करके नीचे गिरे हैं, और गिरे हैं तो पता चला कि सीधे सीधे मुलाकात कहीं और हो गई है, हाँ क्योंकि इस धरती पर रहने के फिर मतलब ही नहीं ना, तो कहाँ बचेंगे वो, उतनी दूर से, उतनी ऊपर से गिरेंगे तो।
आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? बिना प्रैक्टिस के कुछ होता है क्या? कुछ भी नहीं। छोटी छोटी चीजें भी आप बिना प्रैक्टिस के नहीं कर सकते हैं, तो वो तो फिर भी मतलब काफ़ी टफ चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो इनको भी उड़ान भरनी है, बच्चा है उड़ान भर रहा है, मतलब बोलते हैं कि हिम्मत करनी पड़ती है। स्विमिंग अगर करनी हो, तैराकी सीखनी हो, तो आप पता चले ठीक है समंदर है, तैर के आ जाऊँगा, सीखा तो नहीं हूँ आज तक, लेकिन पहली बार जाऊँगा और सीख जाऊँगा, पहली बार समुद्र में ही कूद ही कर लेता हूँ। क्या छोटे छोटे तालाब में कूदना, सीधा समुद्र में कूदता हूँ, सही है क्या? सीधी सी बात है गलत है? सीधी सी बात है गलत। अरे कूदे हुए समुद्र में दोबारा वापस लौटोगे क्या? अरे कुछ आता ही नहीं, तो पहले छोटे छोटे जगहों पे सीखो, पहले समझो तो सही तुम्हारी कैपेसिटी क्या है। तो सीखना पड़ता है अल्टीमेटली, मेरा कहने का मतलब है धीरे धीरे से ही, थोड़े थोड़े से ही सीखो, बिना सीखे नहीं होता है। और जब डर के बैठे रहोगे तो तुमसे कुछ नहीं होगा। आप बोलोगे अंग्रेजी बहुत टफ है, पढ़ना भी आता नहीं है, क्या कौन इतना मार्क्स वगैरह लेगा? मैथ्स, अरे बाप रे, इतनी सारी कैलकुलेशन कौन करेगा उसमें? सर उससे इजी, मैथ्स इजी संसार में कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, लेकिन चूंकि नहीं करते हैं इसके लिए हमको टफ लगता है। इंग्लिश भी कतई टफ नहीं, एकदम इजी है। यू मतलब यू कैन डू इट इन अ प्रॉपर वे, इन अ परफेक्ट वे, बट उसके लिए आपको करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा। सुना होगा ना दिन रात एक करना, दिन भी एक करना, रात भी एक करना, सो के नहीं भाई, काम करके। एक दिन जोश में आए, हाँ टास्क में करके दिखा दूंगा, 18 घंटे पढ़ लिया हूं, अगले 3 दिन तक सो के उठा ही नहीं हूं, तो क्या फायदा? क्या फायदा क्या उस 18 घंटे पढ़ने का? अरे भाई रूटीन बनाओ। कल ही हमने सिखाया ना, टाइम बाउंड होना चाहिए, एक नियम कायदा कानून होना चाहिए, टाइम से चलो, टाइम से एडजस्टमेंट करो, 100% सारी चीजें आपकी हो जाएंगी और आप बहुत बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ जाएंगे। तो सिगल पक्षी के साथ क्या होता है ये देखते हैं हम अगले पार्ट में, पार्ट 2 में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।